वेलकम टू जगपांगी एजुकेशन हब। मैं राकेश जगपांगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जगपांगी एजुकेशन हब में। इस चैनल में आपको जनरल अवेयरनेस से संबंधित वे सभी क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। ये सभी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सभी हाई लेवल क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1932 में किस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ? 1932 में तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगर एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पहला जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1930 में हुआ था, और दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो 1931 में हुआ था, और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन है वो 1932 में हुआ था। ठीक, ये तीनों आयोजन एक ही जगह हुए थे, वो था लंदन। ठीक, तीनों आयोजन लंदन में हुए थे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट संघ राज्य राजकोषीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वित्त आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? जो झारखंड है वो बिहार से कब अलग हुआ? झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब झारखंड की बात की गई है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। ठीक, और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। ठीक, उनकी पिक्चर्स में आपको दिखा, ये हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। ठीक, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीतीश कुमार। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम नीतीश कुमार है। ठीक, ये हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संबंध किससे है? अभिनव भारत का संबंध किससे है? अभिनव भारत का जो संबंध है वो वीडी सावरकर से है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अभिनव भारत जो है भारत का एक क्रांतिकारी संगठन है जिसका गठन बीडी सरकार द्वारा 1904 में गठित किया गया था। ठीक, बीडी सावरकर द्वारा इसका गठन 1904 में किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे बड़ी तटरेखा है? किस देश में सबसे बड़ी तटरेखा है? कनाडा, कनाडा में सबसे बड़ी तटरेखा है, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब कनाडा के बारे में कुछ जानते हैं। कनाडा की जो ये तटरेखा है जो सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 2,02,080 किलोमीटर है। ठीक, 2,02,080 किलोमीटर इस तटरेखा की लंबाई है। ठीक है, और कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडा की जो करेंसी है वो कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है।
ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्रयुक्त होने वाली विखंडनीय सामग्री कौन सी थी? यानी कि नागासाकी में 1945 में जब बम गिरे थे, ठीक है, उस समय उसमें कौन सी सामग्री उसमें प्रयुक्त थी? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्लूटोनियम। ठीक, प्लूटोनियम यानी कि ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है कार्बन, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में देश का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी होगा? इसका जो राइट आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक, उसी तरीके से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के रामनगर में है। ठीक, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि वेस्ट बंगाल। ठीक, ये है आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद है दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये है हेमंत कुमार पांडे। अब हम जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। ठीक है, अब डीआरडीओ का जिक्र आया है तो हम डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है डीआरडीओ की? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। ठीक है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके फाउंडर कौन है? इसकी जो फाउंडर है वो है अविनाश चंद्र। ठीक, अविनाश चंद्र डीआरडीओ के फाउंडर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।